इससे मिलो, ये मेरा दोस्त मनीष। क्या ये चाय वाला तुम्हारा दोस्त है? उसका तुम कैसी बातें कर रही हो, उसे बुरा लगेगा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, एक चाय वाले को चाय वाला नहीं बोलूंगी तो प्राइम मिनिस्टर बोलूंगी। और तुम जरा मुझे एक बात बताओ, तुम जब अपने दोस्त बनाते हो उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हो क्या? क्या गरीब सा दोस्त बना लिया तुमने? मुस्कान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अरे विकास, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी भाभी जी मजाक कर रही है। ओ हेलो, भाभी किसी और को जाके बोलना, मैडम बोल मैडम, आया बड़ा। बस मुस्कान, अब बहुत हो गया। अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना मेरे दोस्त के खिलाफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम एक चाय वाले के लिए मुझसे लड़ रहे हो? हाँ लड़ रहा हूँ, और तुम अभी इसी वक्त मेरे दोस्त से माफी मांगो। मैं और इससे माफी मांगू? मैं सपने में भी ना कभी इससे माफी ना मांगू। ठीक है, नहीं मांगोगी ना माफी तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता अभी खत्म। अरे विकास, ये कैसी बातें कर रहा है, वैसे मैंने इनकी बातों को दिल पे नहीं लिया। नहीं भाई, अब ये तो ये सॉरी बोलेगी, मैं इसे माफ नहीं करने वाला। विकास, तुम एक चाय वाले के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ रहे हो, ऐसा कौन करता है? और कौन है ये, क्या किया इसने? तुम जानना चाहती हो ना ये कौन है, तो तुम्हें बताता हूँ मैं। तुमने कभी भगवान को देखा है? नहीं ना। ये मेरा वही दोस्त है भगवान के रूप में। हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और उसके बाद मेरे पास पढ़ाई करने के पैसे नहीं थे। मैं सोच रहा था कि मैं अपना कॉलेज छोड़ दूंगा, तब मुझे पता चला कि कॉलेज वाले मुझे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, और जब मैंने अपना पूरा कॉलेज कर लिया तब बाद में जाकर मुझे पता चला कि कॉलेज वालों ने मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं दी थी, बल्कि मेरे इस दोस्त ने अपनी फीस की जगह मेरी फीस भर दी थी और खुद ने कॉलेज छोड़ दिया था। क्या? हाँ मुस्कान, ये बात इसने मुझसे छुपाई, और ये बात भी मुझे बाहर वालों से जाकर पता चली कि इसने कॉलेज छोड़ दिया है और मेरी फीस भर दी है। और तुम जानती हो मुस्कान, आज भले ही इसके पास पैसे ना हो मगर इसको अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। ये बहुत ही खुददार इंसान है। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था ना, तब मैं इसके पास आया और मैंने इससे कहा, भाई साथ में काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, मेरे साथ तू काम कर, तो इसने मुझे साफ मना कर दिया। इसे अपनी सिंपल लाइफ बहुत पसंद है, ये अपनी दुकान चलाता है और इसी दुकान से अपने बच्चों को पालता है। I'm sorry, मैंने जाने जाने में आपको जज कर लिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली मुझे सच का पता नहीं था। बात यहाँ सच की नहीं है, बात यहाँ तुम्हारे नेचर की। तुम ना लोगों को पैसे देखकर जज करती हो, और तुम्हारी नजरों में जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। मुस्कान, लाया तो तुम्हें था मैं अपने दोस्त से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे असली चेहरे से मिल लिया। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म। विकास, तुम ये क्या बोल रहे हो, और मैं सॉरी बोल तो रही हूं। अरे विकास, जाने भी दे यार, और वैसे भी इनको इनकी गलती का पछतावा है। नहीं भाई, मैं जाने दे रहा हूं, और वैसे भी गलत लोगों को रोकने का कोई मतलब नहीं है, तुम जा सकती हो। लेकिन विकास, मैंने कहा जाओ यहां से। यार तूने से क्यों जाने दिया, तेरी गर्लफ्रेंड थी और तुम जल्दी शादी भी करने वाले थे। अरे जाने दे यार, जो लड़की मेरे दोस्त की बेइज्जती करे ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे, और ना ऐसी लड़की से मुझे शादी करनी। तू बता कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं है, आज चाय पिलाता हूँ।